नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, जहां एक तरफ हमारे उत्तराखंड की आम जनता उत्तराखंड भू कानून की मांग कर रही है, वहीं पर हमारे उत्तराखंड के कुछ प्रॉपर्टी डीलर बाहर से आने वाले प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों को लुभाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। एक ताज़ा मामला आया है जिला नैनीताल के रामगढ़ ब्लॉक के छतोली गाँव से। यहाँ योगेश कबड़वाल नाम के युवक ने ये बताया है कि उनके सामने 50 साल पुराना बांस का पेड़ एक प्रॉपर्टी डीलर ने सिर्फ इसलिए काट दिया ताकि वो जो अपने बाहर से आने वाले जो गेस्ट हैं, उसके जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग हैं, उनको हिमालय व्यू का दर्शन करा सके। क्योंकि जब वो जिस लैंड से वो हिमालय व्यू देख रहे थे, वहाँ से एक बांस का पेड़ बीच में आ रहा था, इसलिए उन्होंने बांस के पेड़ को ही काट दिया। जिसके बाद में मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया, जहां योगेश कबड़वाल ने तमाम वन विभाग के अधिकारियों को संपर्क किया और उनसे इसके बारे में कार्रवाई करने की बात करी है। तो हम बात करते हैं योगेश कबड़वाल से कि आखिर क्या कुछ हुआ इनके सामने और क्यों ये इतना परेशान है इस पेड़ को लेके। आइए बात करते हैं, दोनों पक्ष हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं और वीडियो तमाम मित्रों तक शेयर भी करें कि आखिर आज हमारे उत्तराखंड में हो क्या रहा है। तो योगेश जी, क्या कुछ कहना जो आपने सनसनीखेज आरोप लगा रखा है कि आपका 50 साल पुराना जो बांस का पेड़ है वो सिर्फ इसलिए काट दिया गया प्रॉपर्टी डीलर द्वारा ताकि हिमालय दिखा सके अपने ग्राहकों को। जी जी बिल्कुल, नमस्कार सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं छतोली गांव का निवासी हूँ और मैं कल क्या था कि अपने पैर को दिखाने हल्द्वानी गया था, मेरे लिगामेंट इंजरी हुई थी। अच्छा। तो मैं पिछले दो ढाई महीने से मैं घर में ही पड़ा हूँ, तो मैं कल इसको दिखाने गया था फिर से डॉक्टर के पास। तो उसके बाद क्या हुआ कि छोटे भाई भी मेरे हल्द्वानी अपनी वाइफ को दिखाने गए थे, तो यहाँ घर पे कोई नहीं था। तो क्या है कि जो भू माफिया है मोहन मेहरा जी, इनके जो डीलर हैं, इनके जो वो है अपने असिस्टेंट हैं जो प्रभात सुयाल जी हैं, इनके द्वारा मेरे से परसों फोन किया गया था 3-4 दिन पहले कि मैं इस पेड़ को मैं प्रोन कर दूंगा करके, इसकी लॉपिंग कर दूंगा। मैंने कहा इसकी लॉपिंग नहीं करनी है, हमने कहीं लॉपिंग नहीं करेगी, तो आप इसकी लॉपिंग नहीं कीजिएगा। अच्छा। तो कल क्या हुआ कि जब मना कर दिया था तो ठीक ओके हो गई थी बात। तो फिर इसके बाद क्या है कि कल हम लोग यहाँ नहीं थे, तो इन्होंने क्या कि रात को किया या दिन में, क्या हमने कल दिन में देखा, माता जी ने देखा मेरी, तो क्या था कि वो पेड़ आधे से कटा हुआ मिला हमें। अच्छा। और उसका क्या है, उसके जो जितने भी उसका तना था, जो काटा हुआ तना है, वो वहां फेंका हुआ था। अच्छा। और इन्होंने अपनी साइट डेवलप करने के लिए लगातार जगह जगह पर बहुत सारे पेड़ों को काट दिया गया है, जिसकी सैटेलाइट व्यू के आप माध्यम से आप देख सकते हैं। कोई उच्च अधिकारी अगर इसमें कार्रवाई चाहेगा तो वो सैटेलाइट व्यू के माध्यम से, पुरानी सैटेलाइट व्यू और आज का मौके पर मुआयने में आपको पता लग जाएगा कि कितना कर। तो आपने वन विभाग को इसकी सूचना दी, तो उन अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, वहां आए थे अधिकारी लोग? उनका ये कहना है कि हड़ताल में है उनके जो गार्ड, तो हड़ताल में है। मैंने रेंजर साहब को फोन किया था, आर्य जी को, तो अच्छा। उन्होंने मेरे से यही कहा कि आप मैं किसी को भेज, पहले तो कहते कि आप इसकी लिखित कीजिए करके। मैंने कहा सर मैं तो हल्द्वानी हूँ, मैं अभी लिखित कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं भेज रहा हूँ कोई टमटा जी को भेजा, उन्होंने एक दीवान जी हैं उनके साथ और कोई दो लोग आए थे, तो गांव पर आए, उन्होंने देखा वहां पर, और जो प्रॉपर्टी डीलर जो है मोहन मेहरा जी, उनके जो वो है अपने इंजीनियर है, तो प्रभात सुयाल से उन्होंने बयान लिए, तो प्रभात सुयाल ने यही बात कही कि वह जमीन बेनाप है, बेनाप में हम कुछ भी कर सकते हैं। और जबकि हम बचपन से वहां पर, हमारा बचपन वहां पर गुजरा है, हमारे पिताजी का बचपन वहां पर गुजरा है, हमारे दादाजी लोगों का वहां पुराना मकान है। तो अगर वो बाई चांस बेनाम जमीन भी है, तो क्योंकि वो वन विभाग की होगी तो पेड़ काटना अलाउ थोड़ी है, आगे क्या कदम उठाने वाले हैं आप इसको लेके? देखिए सर, हमने बचपन से वो पेड़ देखे हैं, वो 85 साल पुराने होंगे, वहां पर 200-200 साल पुराने बांस के पेड़ हैं, उनके मुआयना कीजिए। कहीं पर हमने एक अगर टहनी भी मोटी काटी हो तो उसमें क्या है कि हम कभी चारा पत्ती के लिए प्रोन करते हैं भी है, तो केवल पत्ते ही पत्ते उसमें से काटते हैं, बाकी हम लोग कुछ नहीं करते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आधा पेड़ काट दिया है उसमें से, और उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि ये रोड की जमीन है, रोड की जमीन है। और जबकि हमें वहां पर जब जिला पंचायत की रोड पड़ी थी तब भी उसमें हमारा अधिकार था वहां पर, अभी भी अधिकार है, क्योंकि हम वहां पर बहुत पुश्तैनी, बहुत पूर्वजों के टाइम से वहां पर रह रहे हैं, हमारा पुश्तैनी गांव है। और ये इनके द्वारा हमें धमकाया जाता है कि भाई तुम्हें जो करना है कुछ भी कर सकते हैं करके। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो बताया। अब हम आगे पूछताछ करते हैं इन लोगों से कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया करके।
जी सर, जी आप धन्यवाद। इनसे पूछताछ कीजिएगा, क्योंकि ये पूंजीपति लोग हैं सर, ये पूंजीपतियों तो किसी को भी खरीद सकते हैं, लेकिन हम तो भाई सर गरीब आदमी हैं, और गरीब क्या है, मध्यम वर्ग की हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, इतने ज्यादा जमीनें भी नहीं है, वहां पर हमने ना कभी बेची भी नहीं है जमीनें, कुछ ऐसा किया भी नहीं है। और साथ में क्या है कि मेरा सर आपसे एक अनुरोध है कि आपके जहाँ भी ये वीडियो जाए उसमें मुझे क्या है कि मुझे, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना, ऑडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुझे जान का खतरा है, ये बड़े लोग हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं सर, मेरे जान को खतरा भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हम आगे तक भेजते हैं और जानते हैं इनसे इनका पक्ष। जी सर, धन्यवाद। हाँ जी सर, मेहरा जी से बात हो रही मेरी? जी, बात हो रही। सर मैं मोहित बिष्ट बात कर रहा हूँ, एक योगेश कबडवाल ने मैं कह दिया हमें कि आपने इनका एक पेड़ कटवा दिया यहाँ सतोली गांव में। अच्छा, अरे आप रेंजर ऑफिस से बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं न्यूज नेटवर्क से बोल रहा हूँ सर। तो मैं आपका पक्ष जान मैं आपका पक्ष जानना चाह रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। ऐसा मैं बता देता हूँ क्या हुआ जी। एक्चुअली वो नेपाली थे, नेपाली पेड़ नहीं कटवाया, लॉपिंग करी, लॉपिंग। वो फॉरेस्ट विभाग वाले कल वहां आए थे, ऐसा ना लॉपिंग, वो नेपाली से कहा नीचे लॉपिंग कर दे, उन्हें परफेक्ट थोड़ी, मतलब ऐसा नहीं कि पेड़ उड़ा दिया या वो काट दिया, ऐसा नहीं है। वो उसका उसका आपको पता ही है ना, गाँव में आदमी ना एक क्या मेंटेलिटी होगी गाँव की पता नहीं। अब भाई पेड़ काटने के लिए मुझे, मैं पेड़ काटता और आप भी समझते हैं इतना कि मैं पेड़ काटता तो मैं उससे लेता नहीं, लेता परमिशन लेता नहीं। तो परमिशन की बात जो आपके असिस्टेंट हैं प्रभात जी, उनसे उन्होंने बात की थी कि हम पेड़ को लॉपिंग करा रहे हैं या उसको काट रहे हैं, जो भी परमिशन की बात और योगेश ने कहा है। ऐसा ना, परमिशन हमारी हमारी परमिशन ऑलरेडी पहले थी, वो अब विभाग वाले आए, उन्होंने दो पेड़ के जो ट्रेनिंग, वो विभाग वाले उस टाइप के लोग भेज देते, परमिशन हमारी साहब के, कर्नल साहब का वहां पर घर है, तो उन्होंने लॉपिंग के लिए कहा था, उन्होंने वहां से अपने आर्मी से ही उन्होंने करवा के फॉरेस्ट विभाग के पास परमिशन भेज दी। मैं उसको कॉपी मंगाने की कोशिश कर रहा हूँ, की परमिशन है कि योगेश कबड़वाल ने अपने ऊपर जान का खतरा भी बताया आपके ऊपर से, तो ये क्या क्या सही है गए? आप इस तरह की धमकियां दे रहे हैं उनको जान से मारने की या कुछ क्या है? नहीं 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 यार, क्यों ऐसा क्यों, मतलब क्या कहीं से सेंस ही नहीं बनती है ये बातों की। तो वो तो हमारा छोटा भाई, और एक बात, दूसरी बात, मैं उसके पास ही काम करता हूँ, मैं उसके पास ही काम करता हूँ, उसी के पापा से करा है। ये ना क्या हो गया, मैं सीधी सी बात आपको बता देता हूँ कि ये बंदे जितने भी, मतलब जो कपड़वाल जी हैं या इटा कोई बंदे और हैं, आजकल आपको पता है कि आदमी पता नहीं क्या, मेरा कभी, मैंने उसे एक मैसेज दिया, मैंने कहा मैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैंने कहा कपड़वाल जी मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड कर देता हूँ इसी नंबर पे, मैंने उनको क्या लिखा, उन्होंने मुझे क्या लिखा है। दूसरा ये है ना मेहरा जी, मैं ये बात कर रहा था आपसे, जहाँ एक तरफ आज उत्तराखंड में भू कानून की मांग तेजी से हो रही है, वहीं इनका आरोप है कपड़वाल जी का कि आप बाहर के लोगों को प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, बड़े बेधड़ले से यहाँ बहुत बड़ी बड़ी लैंडे बेच रहे हैं, तो यहाँ आम उत्तराखंड लोग को ही बेचते हैं या बाहर के लोग को ही बेचते हैं? देखिए मैं मेरा पहला कहीं भी पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू ही नहीं है भाई साहब, किसी से भी आप कोर्ट में जाके पूछ लो, आप नहीं पूछ लो। मैंने अपनी जिंदगी में गलत लोगों को कभी जिंदगी में लैंड बेची नहीं, और इतना भी लैंड मेरे पास नहीं कि जो मैं बड़ा भारी बिल्डर हूँ, ऐसा नहीं है जी। मैं तो एक साल में देखिए सर, ऐसा भी है ना मेहरा जी, ऐसा भी है, बहुत से लोग क्या हो रहे हैं आज, दूसरे धर्म के लोगों को भी जमीन बेच दे रहे हैं, जिसके बाद में यहाँ माहौल खराब हो रहा है। सुनिए, आपका नाम क्या है? सॉरी, मेरा नाम मोहित बिष्ट है। मोहित बिष्ट जी, हम मर जाएंगे, हम अब सनातन के मर जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, चाहे वो अरबों खरबों ट्रिलियन मिलियन हो साला, लेकिन हम मैं मर जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप समझते हैं मैं किस लहजे से बात कर या किस तरीके से समझ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, चाहे हम साले नमक के साथ खा लेंगे यार। अब तो जो योगेश कबड़वाल आगे वन विभाग के पास में कार्रवाई करने वाले हैं, उसको लेके क्या सफाई है आपकी? कोई कार्रवाई, मैं मेरा बंदा जा रहा है, उनका वो आ गए हैं, वो वहाँ जो मेरा लड़का है वो उसको उनको देगा, वो जा रहा है वन विभाग, अभी अभी बस पहुंचने वाला है, वो थोड़ी देर के बाद पहुंच जाएगा, वहाँ चौकी है, चौकी में पहुंच जाएगा, विभाग के बाद पहुंच जाएगा। विभाग ने कहा कि लॉपिंग की भी परमिशन होती है, मैंने कहा बिल्कुल लॉपिंग की परमिशन नहीं, लॉपिंग की परमिशन होती है सर, वो तो पेड़ काट दिया ना, दिक्कत ये है। नहीं नहीं नहीं, पेड़ कहाँ काटा है यार, आप कमाल देखिए, आधा आधा पेड़ उन्होंने मेरे को जो फोटो भेजी है उसमें दिखा रहा है कि आधे से ज्यादा पेड़ कट चुका है उसमें से। नहीं नहीं, आधे से ज्यादा पेड़ कट चुका है, जड़ से नहीं, पेड़ की लॉपिंग है, और
नेपालियों ने, मैं था भी नहीं प्रेजेंट टाइम में, मैं अभी भी नहीं गया हूँ वहाँ। उससे मैंने फोटो भी मंगाई, मैंने भी मंगाई, जैसे आपने मंगाई या उसने भेजी, ऐसा मैंने भी करा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है यार, आप वहाँ जाके चेक कर दो, पहुंच दो, मैं वीडियो बना के भेज देता हूँ आपको। ठीक, नहीं नहीं वीडियो उन्होंने भेजी है मेरे को, एक्चुअली वीडियो भेजी है ना उन्होंने, मैंने इसीलिए आपसे बयान लेने की सोची। ठीक है सर, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर जब वो बोल रहे हैं कि जान की धमकी, ऐसा होना भी नहीं चाहिए पहाड़ में, फिर तो ये काफी शर्मनाक चीजें हैं और ऐसी खबरें होनी भी नहीं चाहिए पहाड़ से। पहले हमारे यहाँ से यहाँ आने के बाद में यहाँ 5-5 हज़ार पेड़ लगवाता हूँ मैं, आपको क्या कहूँ मैं, आपकी आपकी सफाई कैसे दू ना मैं, पेड़ तो जो आप कभी रामगढ़ के रास्ते आएंगे आपने एक नोटिस करा होगा, एक रोड के किनारे किनारे देवदार लगे हैं, है ना, और सामने जंगल है, एक देवदार है काफी बड़े हो गए 20-22 साल पहले, खुद अपने पैसे लगाते मैंने पेड़, देवदार के पेड़ में एक नहीं आपको हजारों पेड़ दिलवा दूंगा, और गाँव वालों से आप पूछ भी ले सकते हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगा ना, मेरे मुझे मैं पेड़ का वैसे ही मैं दीवाना हूँ, मैं ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है सर, आपस में मामला सुलझा दीजिए, हमने तो आपसे बयान लेने का था। बीजी ऐसी कोई बात नहीं, मैं सुलझा दूंगा, उनका उनका थोड़ा ये रवैया वहाँ उनके मेरे लिए नहीं है, आप तो दो तीन लोगों का काम ही यही है कि रेगुलर हर किसी को परेशान करना, वो एक उनकी धारणा टाइप की बन गई है, वो अलग चीज है। मैं योगेश से खुद बात कर लूंगा कि यार इसको ये तूने फॉरेस्ट में भेज दिया है, फॉरेस्ट में तूने लगा दी है, मेरी रिपोर्ट वहां भी कर दी है ना, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है।